हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे दूध से एक नई तरीके की खीर। आपने ड्राई फ्रूट चावल की खीर तो आपने बहुत बार बनाकर खाई होंगी। आज हम बनाएंगे एक अलग तरीके की खीर जो आपने शायद पहले बनाकर नहीं खाई हो। चलिए हम दिखाते हैं इसको बनाना कैसे है। हमने ये काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और ये वाटरमेलन सीड लिए हैं और हमने पानी में, गर्म पानी में इनको एक घंटे पहले भिगो दिया था। और एक चम्मच हमने चावल लिए थे, ये भी हमने साफ करके भिगो दिए थे पानी में। और अब हम सारे चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। बादाम को हम छील कर डालेंगे, इनके छिलका उतार दें और एक बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लें। और हमने एक गिलास दूध लिया है, लगभग 300 ग्राम दूध है ये। और कढ़ाई में हम इसे डालेंगे और इसे उबालना है। जब दूध उबल जाएगा फिर हम ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस के तैयार करा है। आप एक बार ऐसे इस तरीके से खीर बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है, इसे भी डालकर घुमा देंगे और दूध में उबाल आने देते हैं। उसके बाद जो हमने पेस्ट बना कर डाल रखा है वो भी इसमें डाल देते हैं और दूध को हम अच्छी तरह उबालेंगे। इसे चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं साइड से, नीचे से। और आप इसमें कलर के लिए केसर के दाने भी डाल सकते हैं, धागे। मेरे पास इसमें केसर नहीं थी तो मैंने फूड कलर डाला है थोड़ा सा। और इसे हम चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। आप इसे डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और साथ ही हमने मीठे के लिए लिए इसमें मिश्री धागे वाली। इसे हम हेल्दी वे में बना रहे हैं तो हमें इसे सारा सामान इस तरीके से डालना है। और ये मिश्री हमने कूट लिए और धागे आप इसके निकाल दें, इसे भी इसमें डाल दें। अब देखिए ये दूध गाढ़ा होने लगा है, साइडों से आप इसे इस तरीके से हटा दें। उसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। आप ये गर्मियों में बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी बनती है खाने में। जब भी आप कुछ मन करे ठंडा या मीठा खाने का, देखिए इसे हम जब तक ये ठंडा होने रख देते हैं, फ्रीज में रखते हैं आप 2 घंटे के लिए। हमें गाढ़ापन इतना ही रखना है। और साथ ही लेने हमें फ्रूट, पाइनएप्पल और ऑरेंज नहीं डालें, बाकी आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं अपने फेवरेट। ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें हम फ्रूट डालेंगे। ये हमने ग्रेप्स लिए हैं, ब्लैक एंड ग्रीन। और पपीता लिया है, बनाना है, एप्पल है। आप और भी फ्रूट डाल सकते हैं और आप इस तरीके से इसमें फ्रूट डाल लें। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर बना कर देखें। और थोड़े से डालेंगे हम ड्राई फ्रूट। ठंडा होने के बाद तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी। आप एक बार बना कर देखें। थोड़े पिस्ता हैं, थोड़े काजू बादाम हमने बारीक काट लिया है और इसे थोड़ी सी गार्निश की है। देखिए बनाकर खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।